बहुत ही इजी हैक्स है लाइफ सेविंग फ्रेंड्स, पसंद आने पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लाइफ सेविंग हैक्स। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और जो बेल आइकन रहती है ना उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो डालू ना तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी फ्री में। तो थैंक यू, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। घरों में फ्रेंड्स, हमारे कुकर जो हम यूज़ करते हैं वो अक्सर अंदर से बहुत ही गंदे रहते हैं। आप देखेंगे तो मैल इसकी जम जाती है, इसकी विसल भी बहुत गंदी हो जाती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने लिया है टमाटो केचप, जो हम घर में यूज़ करते हैं ना वही वाली टमाटो केचप। तो इस पर हम लगा देंगे सब तरफ जहाँ पर भी गंदा है, तो उस पर लगा के ब्रश से थोड़ा सा रब करके इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि एकदम बढ़िया से हमारा जो कुकर का ढक्कन विसल है एकदम बढ़िया से चमक जाएगी, एकदम नए के जैसे। तो ये बहुत इजी होता है फिर इसके साथ इसको साफ़ करना, क्योंकि ये सॉस हमारी खट्टी होती है, क्योंकि जिसमें साइट्रिक एसिड होता है ना, खटास होती है, उससे ना मैल बहुत जल्दी से निकलती है। तो आप देख सकते हैं विसल के अंदर में कब से मैल जमी थी, तो मैंने एक टूथपिक ले ली है और इसके अंदर से इतनी मोटी मोटी मैल की परत निकाल रही हूँ। तो बहुत हार्ड है फ्रेंड्स, तो मैंने एक ले लिया है फॉक, तो फॉक से थोड़ा सा जल्दी से और अच्छे से सारी मैल और भी अच्छे से निकल रही है। तो इस तरह से आप क्लीनिंग इसको कर लीजिए, तो एकदम ये नए के जैसा हो जाएगा एकदम बढ़िया से, और कितने महीनों की छुट्टी हो जाएगी। देखिए मैंने फ्रेंड्स अच्छे से कुकर को और उसकी विसल को अच्छे से क्लीन कर लिया है, और देखिए मैंने इसको वॉश भी कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना इसमें फ़र्क आ गया है। आप इसी तरह से क्लीनिंग करते हैं, 1 से 2 बार में ही आपका जो प्रेशर कुकर और विसल है एकदम नए के जैसा हो जाएंगे। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा? अगर आपके पास इससे ज़्यादा बेटर कोई और ट्रिक है तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट ट्रिक है फ्रेंड्स, ये भी बहुत काम की है, आपके लिए किचन में बहुत इजी हो जाएगा काम करना। जैसे कि हम मूली है या हम प्याज टमाटर कुछ भी हम जिसको हम कद्दूकस करते हैं, तो क्या होता है उसको कद्दूकस करते हुए अचानक से ये हमारी फिंगर कट जाती है, उसमें छिल जाती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्पेशली जब कोई भी चीज़ लास्ट का रह जाता है ना आखिरी, तो वो उसको हमें इस तरह से कद्दूकस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैंने लिया है एक फॉक, जो घर में हमारे फॉक रहते हैं वो मैंने लिया है, और उसके ना इस तरह से मैंने इसको बीच में फंसा दिया है। तो उसको फंसाने के बाद में ना फ्रेंड्स, हम इसको एकदम ईजिली बिना हाथ लगाए बहुत ही अच्छी से हम अपनी जो मूली या कुछ भी हमको जो भी ग्रेट करना है बहुत आसान हो जाता है उसको ग्रेट करना बिना हाथ हमारे छीले। तो ये देखिए मैंने मूली को इस तरह से ग्रेट किया है। दूसरा जो ट्रिक है फ्रेंड्स, वो भी मूली से ही रिलेटेड है, कि मूली में बहुत ज़्यादा पानी होता है, हम इसको कितना भी दबा के पानी को निकालें लेकिन फिर भी पानी रह ही जाता है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है इसको। जैसे ही हम नमक डालते हैं इसमें पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए क्या करें कि आप ले लें एक कॉटन का कपड़ा, आप कोई हैंकी भी ले सकते हैं। तो मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है और सारी मूली को मैंने कॉटन के कपड़े में डाल दिया है। सारी मूली को कॉटन के कपड़े में डालकर इसको अच्छी से एक पोटली की जैसे बना लें, और अच्छे से जितना हो सकता है इसका पानी निकालें। पानी इतना इजीली निकल जाता है फ्रेंड्स, एकदम ड्राई हो जाती है मूली, कि ये वाली ट्रिक आपके बहुत काम की है। तो इस ट्रिक से अगर आप पराठे बनाते हैं तो आपके पराठे फटेंगे भी नहीं, क्योंकि जो पानी रहता है ना बहुत ज़्यादा इसमें अच्छे से निकल जाता है और मूली हमारी एकदम ड्राई हो जाती है। तो एक बार ये ट्रिक को ज़रूर आजमाएं। नेक्स्ट जो ट्रिक है फ्रेंड्स, वो है कड़ी पत्ते की। कड़ी पत्ता हमारे घरों में हमेशा लगता ही रहता है, आप क्या करें कि कड़ी पत्ता लेकर आएँ और उसको अच्छे से धो लें, और धोने के बाद एक पेपर पे रखें और अच्छे से इसको इसका जो पानी है ना वो अच्छे से सुखा लें पेपर से इस तरह दबा दबा के, जिससे कि ना कड़ी पत्ता एकदम सूख जाए। जब तक अच्छे से ये सूख ना जाए इसको फ्रेंड्स इसी तरह से खोल के ही रखें हवा में, और ये जैसे ही अच्छे से सूख जाता है ले लें एक कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, उसमें आप लगा लीजिए टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर भी आप लगा सकते हैं, और कड़ी पत्ता को उसमें डालिए और इसको लिड लगा के रख दीजिए फ्रिज में। कितने दिन तक फ्रेंड्स ये कड़ी पत्ता एकदम फ्रेश रहेगा और इतना जल्दी से ड्राई भी नहीं होगा, तो निकालिए और यूज़ कीजिए। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी? नेक्स्ट ट्रिक है फ्रेंड्स हरी मिर्ची, जिसको हम फ्रेश कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप हरी मिर्ची की जो डंडी रहती है उसको काट लीजिए और अच्छे से इसको वॉश करके सुखा लीजिए। फिर लीजिए तरह के एक बॉटल, ये है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, आप इस तरह से कोई भी प्लास्टिक की बॉटल ले सकते हैं।
तो इस तरह से बीच में मैंने इसको कट कर दिया है, और जो ऊपर वाला पार्ट रहता है ना उसको मैंने इस साइड से ना तो छोटा छोटा सा इसको टक लगा लिए हैं। टक लगाने के बाद फ्रेंड्स सारी जो हरी मिर्ची है बॉटल में डालिए, और इसमें मैंने टक लगाया तो उससे ये ना अच्छी से बंद हो जाएगी, इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आराम से ये बॉटल पैक हो जाएगी, और जिससे कि ना फ्रेंड्स ये मिर्ची जो है काफ़ी टाइम तक एकदम फ्रेश रहेगी। आप इसको फ्रिज में रखिए, स्पेस सेविंग हैक है ये, इसमें फ्रिज में रखेंगे तो छोटी सी बॉटल है, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगी और हमारे जो मिर्ची है फ्रेश रहेगी। नेक्स्ट जो टिप्स है वो फ्रेंड्स है आलू प्याज को लेके। आलू प्याज को जब भी रखें घर में हमेशा अलग रखें, एक साथ में कभी ना रखें, क्योंकि आलू और प्याज एक साथ रखेंगे तो ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए हमेशा आलू को अलग रखें और प्याज को अलग रखें। नेक्स्ट जो टिप्स बता रही हूँ फ्रेंड्स वो है लहसुन के बारे में। लहसुन छीलने में बड़ी ही प्रॉब्लम आती है, एक एक लहसुन को छीलना, जिससे कि ना हमारे नाखून में भी दर्द होने लगता है, बहुत प्रॉब्लम होती है छीलने में, जल्दी से छीलता नहीं है, तो हमें इसको जल्दी छीलने के लिए क्या करना है, आप ले लीजिए पानी, किसी भी बर्तन में आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए और जितना भी हम लहसुन छीलना चाहते हैं सारा उसमें सोक कर दीजिए। आधे से एक घंटे के लिए आप इसको इसी तरह से ना सोक करके छोड़ दीजिए, और उसके बाद में लहसुन इतना सॉफ्ट इतना आसानी से छीलेगा ना कि मिनटों में ही सारा लहसुन छिल जाएगा। आपके पास कोई और टिप हो फ्रेंड्स तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली टिप है फ्रेंड्स अदरक के लिए। अदरक भी हम लोग घर में हमेशा ही यूज़ करते हैं, क्योंकि अदरक हमारे गले के लिए, और जैसे मौसम भी अब चेंज हो रहा है तो हम ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। तो हम जब भी अदरक को छीलते हैं ना फ्रेंड्स तो हमारा जो अदरक है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, एकदम अच्छी से छिलता नहीं है, मोटे मोटे जो इसके छिलके निकल जाते हैं, जिससे कि ना अदरक बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। आप ले लीजिए एक स्पून, जिसे हम खाना खाते हैं ना वही वाला स्पून, तो आप इससे अगर अदरक छीलते हैं ना तो एकदम स्मूथली अदरक के छिलके एकदम पतले पतले निकलेंगे फ्रेंड्स, जिससे कि हमारा अदरक भी वेस्ट नहीं होगा। तो है ना एकदम बढ़िया से टाइम सेविंग लाइफ सेविंग हैक। तो कैसा लगा आपको ये हैक ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलना।